हमने इस देश के लिए कितने सेवा कार्य चाहे। जिस शिक्षण संस्थान में मैं पढ़ रहा हूं मैं उसके लिए कुछ कर पाया है, और समाज क्षेत्र में कुछ नया मैंने किया है। हमारे बीच से कोई ऐसे स्थान पर गया क्या जहां परिवर्तन की आवश्यकता थी और एक बड़ा परिवर्तन सामने आया। एक वर्ष की अपनी उपलब्धियों को प्रतिवेदन के माध्यम से आज हम उसका जारी आपसे शेयर करें, और अगले वर्ष के लिए नए उद्देश्यों के साथ एक नई नई गठबंधन करते। दो प्रकार की इकाइयां आ जाती है, बताया, एक स्वावलंबी छात्र संगठन, एक जो अभी अभी दो चार वर्षों में निकले हुए छात्र हैं, और समाज में अभी शिक्षा का शिक्षा ले रहे कहीं कहीं पूरी दुनिया में ले रहे हैं, विदेश में जाके ले रहे हैं, देश में ले रहे हैं, विश्वविद्यालय में ले रहे हैं, डिग्री कॉलेज में ले रहे हैं, लेकिन कहीं अभी अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं। ऐसा बहुत बड़ी संख्या एक अपने विद्यालय के पूर्व छात्रों की है। उनका एक उनकी एक अलग संरचना, शिक्षारत पूर्व छात्र की है, जिसकी एक अलग बोली अलग बैठक संपन्न होती है, अलग योजना। वो शिक्षा क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। अभी इतना ही नहीं, भारतीय नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें पूर्व छात्रों का एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि उनको अनुभव था इस देश के लिए कैसी शिक्षा की आवश्यकता है। ये केवल विद्यावर्ती के उन विद्यार्थियों को पता था जो इसमें जी रहे थे। क्या हमको